हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आज से आपसे ये जानने आया हूँ कि अब तक आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं लगाया। जो मैंने आपको क्वेश्चंस टीजीटी साइकोलॉजी के अंदर, हिंदी के अंदर और केमिस्ट्री और बायो के अंदर बताए हैं, क्या आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं है। अगर आपको मेरे दिए हुए प्रूफ पर विश्वास नहीं है तो आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी माई लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि मेरे बनाए हुए वीडियो के अंदर जो मैंने प्रूफ दिए हैं, या अब तक मैंने जो आंसर की आपके सामने केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो की, पूरे हरियाणा में किसी ने अगर टीजीटी साइंस के आंसर की इतने एक्यूरेसी के साथ दी हो तो मुझे बता दो, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस पे डेफिनेटली आप ऑब्जेक्शन लगाई हैं। फिर भी लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्शन लगाएं या ना लगाएं, ऑब्जेक्शन लगाएं या ना लगाएं। अरे मैंने सारे तो प्रूफ दे दिया आपको, सारे तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे क्या करना है। आपको ऑब्जेक्शन लगाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, अब बताना क्या रह गया, मुझे ये बताइए। ऑब्जेक्शन लगाइए, अगर आपको मार्क्स लेने हैं जो 88-89 पर रुके हुए हैं, अगर उनके ऑब्जेक्शन लगाने से वो ठीक हो जाते हैं और मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा के 200 रुपये खर्च कर दिए तो 200 रुपये वो वापस भी आ जाएंगे अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो। और आंसर ठीक क्यों नहीं होगा जब आप बिल्कुल एक्यूरेट लगा रहे हो, तो बिल्कुल ठीक होगा। तो सोचिए मत, ऑब्जेक्शन लगाइए। और मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, बार बार मत पूछना अब। अदरवाइज अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो मेरी ये लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। कुछ बच्चे मेरे से कह रहे हैं, कुछ भाई दोस्त लोग मेरे से कह रहे हैं कि सर आप आगे एस्टेट टीजीटी हमें तैयारी कराओ, मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का रिटर्न टेस्ट क्लियर हुआ है अभी एग्जाम आपको पता होगा एस्टेट का 18 नवंबर को भी रिजल्ट आया एनवीएस का, और मेरा पीजीटी केमिस्ट्री का एनवीएस रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया है। तो उसके बेस पर मेरे को एनवीएस के अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। आप सीधी सी बात है, ऑब्जेक्शन लगाइए जिसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेसी है, आपको लगता है कि सर की बात कही हुई बिल्कुल ठीक है और सर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी माय लास्ट वीडियो, उसके बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो, ठीक है। और लाइक्स कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अरे सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को, केवल 300 सब्सक्रिप्शन है मेरे। और वीडियो कौन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हो 5000 लोग, 10000 लोग, सब्सक्रिप्शन 300 आ रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या आपको चैनल पे ट्रस्ट नहीं है। नहीं है तो ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जहाँ पे नो लिखा है वहाँ आपको नहीं लगाना है। इसका आंसर जेंडर कंसिस्टेंसी है, पहले का बिल्कुल ठीक है, ये प्री गैंग एज बिल्कुल ठीक है, तीसरे ऑप्शन में टॉलरेंस बिल्कुल ठीक है, चौथे ऑप्शन में एसोसिएशन बिल्कुल ठीक है, पांचवे ऑप्शन में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बिल्कुल ठीक है। सीधे मैं बता देता हूँ, प्रॉपर नॉर्मिंग होम इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है। अरे जहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना होगा मैं साफ साफ बता दूंगा और आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आपको लगे ना कि सर आपका लगाया हुआ ऑब्जेक्शन गलत हो गया, या आपने आपने जो प्रूफ दिया था वो स्टेट ने अमान्य प्रूव कर दिया, तो मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा, लिख के दे रहा हूँ आपको। कोलबर्ग ने कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में बताया था, अभी भी काफी लोगों को लगता है इसका आंसर पोस्ट कन्वेंशनल है, लेकिन दोस्तों एस्टेट ने ये आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, इसका आंसर कन्वेंशनल ही है। अरे कन्वेंशनल मोरलिटी होती है, कन्वेंशनल मोरलिटी होती है सोशल मोरलिटी, सुन लो। प्री कन्वेंशनल होती है जीरो मोरलिटी, बच्चों की स्टेज में कोई मोरलिटी नहीं होती, वो होती है प्री कन्वेंशनल। जब बच्चा अडल्टहुड में आता है तो उसको बोलते हैं सोशल मोरलिटी, तो क्योंकि बच्चा जो अडल्ट होता है वो समाज के नियमों और कानून का पूरी तरह से नियमों का पालन ना करता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक ना करना, टाइम पर सारे टैक्स पे करना,
टाइम पर बिल पे करना, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, हर चीज़ का, सब कुछ टाइम सरकार के नियमों के बिल्कुल खिलाफ ना जाना, वो होता है कन्वेंशनल। और पोस्ट कन्वेंशनल होता है जब आप किसी के फायदे के लिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए, अगर आप समाज के नियम का उल्लंघन करते हैं, वो जाता है पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मानता है कि आप किसी के राइट के लिए, किसी के भले के लिए आप कोई समाज का नियम तोड़ रहे हो, तो वो आप गलत नहीं कर रहे हो। उसको बोलते हैं सेल्फ मोरलिटी, आत्म नैतिकता। जब किसी पर्सन में सेल्फ मोरलिटी आ जाए, इसका मतलब वो पोस्ट कन्वेंशनल पे पहुंच चुका है। जब आपको ध्यान रखना, तो इसका आंसर पोस्ट कन्वेंशनल नहीं है, कन्वेंशनल ही है, मत लगाना, ठीक है। अगला डिस्कवरी लर्निंग, आठवीं बिल्कुल ठीक है। इकोसेंट्रिक बिहेवियर बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। स्मार्ट एज बिल्कुल ठीक है। रोट मेमोरी बिल्कुल ठीक है। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, ये यहाँ भी लोगों को लग रहा है ये को रिलेट कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये को रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सबको लगता है कि बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ कार्निवोरस एनिमल है और इसको को रिलेट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं है। ये सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग ही होता है। एचटेट ने बिल्कुल ठीक कहा है ये। और अगला है रिमूवल ऑफ हर्डल्स, बिल्कुल ठीक है। एसिमिलेशन बिल्कुल ठीक है। वुंट ने बिल्कुल ठीक है। कोरिकुलर सब्जेक्ट्स, ये कल भी बताया था, अरे को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट जो होता है ना, सह विद्यालय, सह शिक्षक, को करिकुलर एक्टिविटी होती है। और को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर बच्चा पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कंपटीशन में जा रहा है, या किसी प्रकार की कंपटीशन में भाग ले रहा है, तो उसका सोशल स्किल इंप्रूव होगा, उसकी वैल्यूज बढ़ेंगी, एटीट्यूड इंप्रूव होगा, क्रिएटिव स्किल बढ़ेगा। अरे करिकुलर सब्जेक्ट के से क्या कोई मतलब ही नहीं है, नो आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सत्रहवें में बिल्कुल ठीक है। बोडली का न्यूट्रिकुलम, अगला हिलगार्ड है। मंगोलिज्म के अंदर 20 से 25 होती है, हाँ इसमें मैंने बोला है, यस लग रखा है, लगाओ। एस्टेट के अंदर एस्टेट दिया है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, लेकिन मैं कहता हूँ ऑल राउंड डेवलपमेंट का जो असेसमेंट होता है बच्चे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो सीसीई पैटर्न होता है। और सीसीई पैटर्न 2006 के आसपास, सॉरी एनसीईआरटी ने या सीबीएसई बोर्ड ने लगाया था, उसको नंबर है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो दोनों आएंगे इसके अंदर, लगाओ ऑब्जेक्शन। सीसी के अंदर विकिपीडिया पे चले जाओ, गूगल पे वेरीफाइड लिंक ले लो, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा रहे आप। अगला है इसका इनोवेटिव क्रिएटिविटी है, 6 से 12 ईयर होता है चाइल्ड, लेट चाइल्डहुड स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज बिल्कुल ठीक है। वेगोस्की का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अपने शिष्य के प्रति प्रेम है, स्नेह विकसित करें, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उद्यमी सामर्थ्यता इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टेज के अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, एम्पैथी भी होती है, और रिलेशंस को हैंडल करना ये भी अच्छे से आता है, बस उद्यमी सामर्थ्यता बिल्कुल नहीं है। और ये भी बता चुका, कितनी बार बताऊंगा, 27-28 आर्मी अल्फा टेस्ट आंसर इसका, आर्मी अल्फा टेस्ट है। और ये तो बिल्कुल जोर 28वां, क्योंकि जीन प्याजे की कंक्रीट कॉम्प्रेशनल स्टेज के अंदर कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत और चार्किक विचारों को प्रकट करना बिल्कुल आ जाता है। बच्चा जब सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, वर्ल्ड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, वो लास्ट स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब तो मान गए, लगाओ। 3 ही ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ टीजीटी में, क्वेश्चन नंबर 27 आर्मी अल्फा टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और क्वेश्चन नंबर 20 कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, बस और कोई ऑब्जेक्शन नहीं बताया मैंने। 29 बिल्कुल ठीक है। मैक्रो सिस्टम भी है, वॉकिंग भी ठीक है, मत लगाओ। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। साइंस में, हिंदी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को आना भी नहीं चाहिए। हिंदी मैंने एक्सपर्ट से सोल्व करवाई है, और जेपी शर्मा जी हमारे सर हैं, हिंदी के विज्ञाता है, वो उनको पता है सारी, सारा मैंने उनको सब पे पूछ के बाद को आंसर दे रहा हूँ। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, काफी लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कर्म कारक है, लेकिन दोस्तों कर्म कारक नहीं है। जब कर्ता का असर कर्म पे पड़े ना, तब कर्म कारक होता है। जैसे मैं कहता हूँ राम ने रावण को मारा, राम ने मारा है ना रावण को, कर्ता का असर कर्म पे पड़े तब होता है कर्म कारक। जब इसमें कहते हैं राम ने रावण को मारा, जैसे मैं कह दूं माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने, माँ तो होगी कर्ता, कर्म हो गया बच्चा, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो बच्चे को वो होता है कर्म कारक। अरे हेमंत को खीर अच्छी लगती है,
क्या मतलब क्या हुआ कर्म कारक, इसमें कर्म कारक है ही नहीं, इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक में भी को आता है, के लिए नहीं होता, हमेशा उद्देश्य के लिए नहीं होता संप्रदान कारक। को कब लगेगा, जब कर्म के बाद नहीं, बिल्कुल कर्ता के बाद ही को लग जाए। जैसे हेमंत को खीर अच्छी लगती है, ठीक है, संबंध कारक इसमें संप्रदान कारक ही है, ठीक है, बार बार मत पूछना इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी क्लियर हो गया, ये विचारणीय बिल्कुल ठीक है, विचार प्लस अन्य होता है, ठीक है। वर्त्यानुप्रास बिल्कुल ठीक है, वर्त्यानुप्रास नहीं होता है, वर्त्य अनुप्रास होता है, वर्ती प्लस अनुप्रास ये बनता है वर्त्यानुप्रास। नीचे देखो वर्त्य अनुप्रास ये आएगा या नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जाके बता देता हूं मैं, साइंस के अंदर प्लेसेंटा ह्यूमन बींग्स के अंदर हिमोकोरेल होता है, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, ये चौथा ऑब्जेक्शन है, तीन साइकोलॉजी के अंदर, चौथा साइंस के अंदर, और पांचवा जाके बता देता हूं, ये मैंने कल दोनों स्पेशल वीडियो बनाई थी इस क्वेश्चन के ऊपर, स्पेशल वीडियो, वहां से स्क्रीनशॉट उठाओ, सीधा ऑब्जेक्शन पे डाल दो, कोई दिक्कत हो ना मेरे को बता देना, मैं चलूंगा आपको हरियाणा बोर्ड साथ। मैंने आपको जो ऑब्जेक्शन बताया है पिछले वीडियो में, बिल्कुल उठाओ ये, आपको स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर 3-methyl-2-hexene है, ऑप्शन नंबर 4-3 नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 ऑब्जेक्शंस, इसलिए बार बार नहीं पूछूंगा मैं ऑब्जेक्शन लगाया नहीं लगाया। अगर आपका मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, कमेंट में बता देना इस आप मेरा वीडियो सुनना चाहते हो आगे या नहीं सुनना चाहते हो। और मैं पीजीटी की वीडियो तभी बनाऊंगा आगे, पीजीटी का लोग कह रहे हैं कि सर 1 से लेकर 90 तक जर्नल क्वेश्चंस के बताइए क्या क्या रिव्यू रहने वाले हैं, कि ऑब्जेक्शन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपको मेरे को यहाँ पर विश्वास नहीं है। टीजीटी की साइंस की इतनी वेल एक्यूरेट की देने के बाद भी अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। और सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर करो, बताओ लोगों को कि वास्तव में कोई है हमारा जो हेल्प कर रहा है बहुत ही रेगुलरली वीडियो बनाकर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, आपको मैं सुबॉर्डिनेट लर्निंग का एक दे देता हूँ एग्जांपल, देखो ये रहा सुपरऑर्डिनेट लर्निंग क्या होता है। इमेजिन करो, यू बच्चे को बता दिया मैपल क्या होता है, ओक का पेड़ क्या होता है, एप्पल का पेड़ क्या होता है, ट्री का पेड़ होता है। बच्चे को पता है ओक का पेड़ क्या है, एप्पल का पेड़ क्या है, ये सारे एग्जाम्पल पता है। और बच्चे को बाद में टीचर ने नॉलेज दे दी कि डेसीडुआउस ट्री क्या होते हैं, डेसीडुआउस ट्री होते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। बच्चे को जैसे उसमें कार्निवोरस एनिमल था, तो कार्निवोरस एनिमल को बच्चे ने रिलेट कर लिया बाघ से, शेर से, चीता से। इसी प्रकार बच्चे को मैपल, ओक, एप्पल ट्री पहले से पता था, उसने डेसीडुआउस ट्रीज के साथ उस एग्जाम्पल को सबको लिंक कर लिया, तो इसको बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। देखो इन दिस केस यू ऑलरेडी नो ए लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, अब पढ़ लो लाइन ध्यान से लास्ट की। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग में क्या होता है, इस केस में आप सारे एग्जाम्पल्स पहले से पता होते हैं, बट यू डिडेंट नो द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ अंटिल इट वाज टॉट टू यू, जब तक आपको पढ़ाया नहीं जाता इस कॉन्सेप्ट का आपको पता नहीं होता, उसको कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। जब तक क्लास में टीचर ने नहीं बताया था कि कार्निवोरस एनिमल क्या होता है, बच्चे ने बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे को कौन कौन से एनिमल को कार्निवोरस में रखना है। तो जैसे टीचर ने कह दिया ना मांस खाने वाले कार्निवोरस होते हैं, तो बच्चे के माइंड में गया सर बाघ, शेर, चीता, ये जितने भी चीजें हैं ये कार्निवोरस होते हैं। तो बच्चे ने तुरंत क्या कर लिया, उसके साथ अपना ज्ञान जोड़ लिया, ज्ञान कोटि कहते हैं उसको। तो सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग ये होता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है यूट्यूब से पैसा कमाने का, क्योंकि मेरी एनवीएस की जॉब आ रही है और मेरे को गवर्नमेंट जॉब में लगकर ऐसे ही लोगों की हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की और स्टूडेंट्स की जो हमसे जुड़ेंगे उन्हीं की हेल्प होगी और आगे। क्योंकि अगर अब मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि आगे मैं फिर हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो ध्यान रखिए इस बात का, आगे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।